Assalamualaikum and good morning everyone. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. आज का शो जो इससे मैंने कल अनाउंस किया था, जितने भी मीठे लवर्स हैं ना, डिज़र्ट लवर्स हैं, जो स्वीट टूथ रखते हैं, जो मीठे के शौकीन हैं, आज सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है. बाकी दूसरे लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि आज हमारे शो पे कुछ भी नमकीन नहीं बन रहा है, सिर्फ मीठा बन रहा है. और आज जो हमारी गेस्ट हैं वो फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं और एक होटल के लिए काम भी करती हैं एज पेस्ट्री शेफ, और अपना पूरा डिप्लोमा भी इन्होंने किया एज एन अप्रेंटिस के तौर पे वो वहाँ से ले रही हैं. इन्होंने स्टार्ट किया था कॉथम से और मुझे बता रही थी कि कॉन्टिनेंटल क्यूजीन से शुरू किया. अब इनका जो रुझान है वो मीठे की तरफ ज़्यादा है. अब ज़्यादा इनको मज़ा आ रहा है, या तो ये ख़ुद मीठे खाने की शौकीन है या इनको बनाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये हम इन्हीं से ही जानते हैं. आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले तो लारेब को. अस्सलाम वालेकुम लारेब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ. ठीक ठाक है जी. भाई सॉरी, आप सुबह से इधर से उधर उधर से इधर हो रही हैं. आज हम लोगों की मसाला की कुकिंग क्लास भी हो रही है पीसी होटल में, तो इसीलिए जरनक वरनक भी आई हुई थी. जरनक से तो मैं लाइव चली गई ना फेसबुक पे, मैंने कहा चले जरनक को पकड़ लो, वीडियो बना लेते. क्या हाल है लारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसा चल रहा है? मीठा शीठा खूब बनाया जा रहा है? जी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत मज़ा आता है मुझे. ये इंटरेस्ट कैसे मीठे पर हुआ या पहले से था, मतलब कॉन्टिनेंटल से आपने स्टार्ट किया? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी जब फर्स्ट, तो वहाँ पर जब मेरा इंटरव्यू था हाँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको किस डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करनी है. सही तो सडनली मेरे मुझसे निकला बेकरी और फिर वहाँ से ही बेकरी स्टार्ट. बेकरी में है कुछ अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ, मतलब जब मैंने भी किया था तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम 2 हफ्ते मैंने लगाए थे बेकरी में, और मेरा बड़ा बड़ा दिल लगता था मेरा बेकरी में. मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, न्यू क्रिएशंस. तो लारे मीठा खाने का भी शौक है या सिर्फ बनाने का? पहले नहीं था, बहुत है अब हो गया. खाती रहती हो मीठा बना के घर में भी ट्राई करती रहती हो? जी. क्या क्या कौन कौन सी नई नई चीज़ें सीखी उन लोगों को खिलाई घर वालों को? मैंने जो जब स्टार्ट किया था तब तो मुझे बेकिंग का बिल्कुल पता ही नहीं था. अच्छा. बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था. कुछ भी नहीं, मतलब केक भी नहीं बेक किया हुआ था? नहीं, कभी कुछ भी नहीं किया था. अच्छा. और यूजुअली ये होता है कि हम लोग जब लड़कियाँ स्टार्ट करती हैं तो वो बेकिंग से शुरू करती हैं. नहीं, मैंने स्टार्ट ही कॉन्टिनेंटल से किया था, उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट जब मैंने वहाँ पर सडनली कह दिया था बेकरी, तो फिर इंटरेस्ट बिल्ड हो गया और फिर आहिस्ता. और मज़े मज़े के और तरह तरह के मीठे सीख रही हैं. अब आज जो आप बना रही हैं वो क्या ख़ास बातें हैं मीठों की? इनमें जो है जो बसबूसा है वो अरबिक है. बसबूसा बहुत मज़े का होता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है. मैंने ना इनफैक्ट मेरे फ़ोन पे ना वो नेट से मैंने लेके ना तस्वीर को क्लिक करके मैं, और मैं सोच रही थी कि ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, लेकिन कोई 10 दिन हो गए अभी तक ट्राई नहीं किया. अब आज आपका पहले खा कर वो मैं देखूँगी कैसा बनाती हूँ आप, और फिर मैं वो वाली रेसिपी बनाऊँगी. और क्या बना रही हूँ? वॉलनट ब्राउनी है, यम्मी, और पैना कोटा है, और महलबिया. और क्या है? महलबिया, ये भी अरेबिक है. हाँ, तो वो कैसा है, मतलब थोड़ा बेक वाला है? नहीं नहीं, वो आप जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, तो आप अरेबिक कस्टर्ड समझ लें इस तरह से. अच्छा, ठीक है. इसी ये है इसकी एग्जांपल. नए नए मीठे हैं ये सारे, तो हम शुरुआत करें क्योंकि कुछ बेकिंग वेकिंग होगा, मिक्सिंग होगी, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होगा. हम किचन की तरफ बढ़ते हैं लारे, इससे पहले कि हम ब्रेक लें मुझे बता दीजिएगा, अगर ब्रेक आ रही है तो हम ब्रेक भी ले लेंगे. और जी पहली आज की मैं ज़रा पूछ लूँ. मेरा एयरिंग गिर गया. कोई बात नहीं, गिरती रहती हैं चीज़ें. अच्छा, आपने भी सोचना है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं. मैं एक फल हूँ, खट्टा मीठा सा, सब मुझे शौक से खाते हैं. आखिरी दोनों हर्फ मिटाकर सब्जी मुझे बनाते हैं. मैं एक फल हूँ, खट्टा मीठा सा, सब मुझे शौक से खाते हैं. आखिरी दो हर्फ मिटाकर सब्जी मुझे बनाते हैं. क्या चीज़ है, आप लोग ज़रा सोचिए और हमें बताइए. अच्छा लारेब, हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं? बसबूसे से. बसबूसे से, ठीक है, आ जाओ. क्या करना है इसके लिए? बसबूसे के लिए मुझे एक मिक्सिंग बाउल चाहिए. हाँ, एक्स्ट्रा बाउल है. इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, इतने मज़े मज़े की कहाँ? हाँ, ये रोज़ एसेंस है, रोज़ वाटर है. रोज़ वाटर है. हाँ, कटिंग बोर्ड तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, बस इसकी. कोई बात नहीं, इसी पे रख दो. हाँ, विस्क चाहिए होगी मुझे. हाँ, स्पैटुला वगैरह चाहिए, वो भी है हमारे पास. जी, रेसिपी कार्ड मैंने यहाँ कहा. रेसिपी कार्ड शर्जील, पहले हम इसमें डालेंगे शुगर. हाँ, रेसिपी कार्ड. हाँ, क्योंकि मेजरमेंट्स होंगे ना, ये मेजरमेंट्स बतानी होंगी. वैसे मुझे तो रिमेम्बर है, लेकिन फिर भी ये रहा बस गुस्सा.
थैंक यू। अच्छा चीनी कितनी आपने ली है? हाँ शुगर हमने 250 ग्राम ली है, उसमें हम जो है वो योगर्ट डालेंगे 250 ग्राम। अच्छा इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा मैंने जो रेसिपी निकाली थी ना उसमें योगर्ट नहीं, ये ऑथेंटिक रेसिपी है ना। चलो अच्छा हर काम में बेहतरी होती है अगर हम उसको नहीं करें तो। इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है कि वो बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है। अच्छा योगर्ट आपने कितना लिया? योगर्ट हमने लिया है 250 ग्राम और 250 ग्राम है हमारे पास शुगर है। इक्वल क्वांटिटी योगर्ट और चीनी की ली थी। ठीक है। माइक्रोवेव करना है जी। और मक्खन कितना है? मक्खन हमारे पास है 250 ग्राम्स। अच्छा इक्वल सबकी जी। 250 ग्राम बटर है, 250 ग्राम शुगर है और 250 ग्राम योगर्ट है। एक तो कुछ ना कुछ तो दबाऊंगी तो आ ही जाएगा। ठीक है एक मिनट में रख दिया है, बीच में खोल दूँ। अच्छा और सूजी? सूजी हम इसमें डालेंगे जब बटर ऐड हो जाएगा। अच्छा। बटर और फ्लावर ऐड हो जाएगा तब हम इसमें सूजी डालेंगे। अच्छा। वरना इसमें क्रम्स आ जाएंगे अगर हम पहले सूजी डाल देंगे और ये फिर मैदा डाल देंगे ना तो इसमें क्रम आ जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे पहले चीनी एंड आपने योगर्ट मिक्स करना है जी। पूरा मेल्टेड चाहिए या इतना काफ़ी? नहीं पूरा मेल्टेड दिखाए, मैं इसको मिक्स कर लूँ। आई थिंक इट्स एनफ। काफ़ी है ना? That's enough. ठीक है। अच्छा ये भी इक्वल क्वांटिटी है जी, अभी इसमें जाएगा। ठीक है इस पर चिला चाहिए तो मैं यहाँ रख देती हूँ। यस चीनी दही और मैं तो वो मक्खन मक्खन और ये आपका सॉल्टेड मक्खन है या नहीं? नहीं अनसॉल्टेड, मैंने वहाँ मेंशन किया था रेसिपी कार्ड पे मेंशन है कि अनसॉल्टेड बटर है। ये बहुत मज़े का केक होता है, इसका सिरप वगैरह भी बनाओगे जी शुगर से। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। ये भी 250? नहीं नहीं ये 500 ग्राम है क्योंकि सूजी जो बसबूसा डिपेंड करता है वो सूजी पर करता है। ठीक है सिर्फ 500 ग्राम हमने सूजी लिए, बाकी सब 250। ठीक है मैदा हमने लिया है 62 ग्राम क्योंकि इसमें मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती इसलिए हमने इसमें मैदा 62 ग्राम लिया है। अच्छा सही है। और 4 ग्राम मैंने लिया है बेकिंग सोडा और 4 ग्राम ही मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। अच्छा सोडा भी एंड बेकिंग पाउडर भी। ठीक है हाफ टी स्पून ही होगा? 4 ग्राम हाफ टी स्पून तो जो 15 ग्राम होता है वो 1 टेबल स्पून होता है। अच्छा ठीक है तो आप उसको हाफ करेंगे तो फिर वो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर गया, मैदा गया 62 ग्राम्स और ये बस हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। ठीक है अब बस हमें इसे बेक करना है। अच्छा सिर्फ हाथ से ही मिक्स कर रही हो? हाथ से ही फोल्ड कर सकते हैं आप। ठीक है यहाँ विक से करना चाहिए तो विक से। बीटर तो नहीं यूज़ कर रही? नहीं इसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं होगी। सही है। अच्छा जी ब्रेक का वक्त आ गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उसको हम जब तक पैन में रखते हैं कितनी डिग्रीज पर ये सब अभी पूछ लेंगे लारे से। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद किरण वो मुझे ना आज इमरान डायरेक्ट कर रहे वो हैरान हो जाएंगे कि ये कर क्या रही है किरण, ये पानी पी रही। मैंने कहा नहीं नहीं थॉट्स डाल रही हूँ, जैसे कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बताती हूँ आप जब भी खाना खाएं पानी पिए 30 सेकंड्स पॉज करें, पानी को देखें, अच्छी थॉट्स अच्छी वाइब्रेशंस के साथ वो एनर्जी पानी में आ जाती है और वही एनर्जी जब आपके अंदर जाती है उसी तरह से काम करती है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम अ हैप्पी सोल, मैं हर वक्त हर लम्हा खुश रहती हूँ, ये पाक साफ पानी मुझे अंदर से पाक साफ कर रहा है, मैं हर वक्त सब्र और शुक्र की हालत में रहती हूँ और मेरे अंदर की तमाम बुराइयाँ बीमारियाँ दूर होती जा रही हैं, मैं हर एक के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी सोच के साथ रहती हूँ, हर पल अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ और अच्छा करती हूँ। क्या जाता है ये तो मैंने लाउडली किया है, आपने सिर्फ मन ही मन में करना है। आप भी ऐसा किया करें, आपका कोई भी मकसद हो कोई भी टारगेट हो
एग्जाम्स में बच्चे परेशान होते हैं, पानी पी रहे हैं ना, या माएँ उनको पानी दे रही हैं, आप अच्छी थॉट्स डाल दें कि मेरे बच्चे ने इतने ज़बरदस्त मार्क्स हासिल किए हैं, बेशक एग्ज़ाम्स होने वाले, अपने टारगेट को डाल दें, मकसद को डाल दें और आप देखें इसका कमाल क्या होता है। याद रखने की बात है, कॉन्शियस रहने की बात है। आ जाए जी, बस बूसा बन रहा है आज हमारे शो पर और लारेब हमारे साथ हैं, शेफ लारेब। कैसा लगता है शेफ? अच्छा लगता है। अच्छा, घर वाले तो बस ऐसे ही बोलते होंगे ना, वो तो शेफ मानते ही नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं मानते। ये सबके साथ ही, इवन के श्री नापा हो या हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो घर वाले उनको घर वाले के ही जैसे लेते हैं। अच्छा, हमने क्या किया था, 250-250 ग्राम हमने तीन चीज़ें ली थी, जिसमें चीनी थी जी, सूजी थी, नहीं दही, 250 ग्राम में सिर्फ चीनी थी, दही था और मक्खन था और फिर 500 ग्राम आपने सूजी डाली, 62 ग्राम हमने इसमें फ्लावर डाला था और 4 ग्राम तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर था। ठीक है, बटर इसमें पहले इसलिए डालते हैं कि इसके अंदर जो क्रम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाए। अगर हम पहले इसमें फ्लावर डाल देंगे और जो सूजी डाल देंगे उसकी वजह से हमारा बसबूसा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब बाद में बटर डालेंगे वो अलग सी डो बन जाएगी। ठीक है, सही है। जब पहले बटर डालेंगे तो फिर वो सेपरेट, स्टेप बाय स्टेप यही है और इसी को फॉलो आप कीजिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने विस्क, नॉर्मल हैंड विस्क से आपने मिक्स किया और ब्रेक में आपने हाथों से इसको ना, मैंने इसे हाथ से इसलिए फोल्ड किया था, इसके अंदर अगर कोई भी क्रम है या कुछ भी है तो वो फिर ख़त्म हो जाए ताकि आसानी हो इसमें। मैंने कहा ये प्रोसीजर ज़रा दिखा दो क्योंकि ये असल वो है, और फिर आप उसको ग्रीस किए हुए पैन में रखोगे या वैसे नॉर्मल विदाउट ग्रीस आप ऐसे ही पैन में जिसमें बेक, क्योंकि इसमें खुद भी बटर है तो इसमें इतनी वो नीड नहीं है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, आपने डाल लो। वालेकुम अस्सलाम, रुसना जैदी बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं आपको पता बहुत खुश, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वाओ, वेरी नाइस जी। ये जो बात होती है ना आपकी, ये जबरदस्त होती है, इसलिए क्योंकि जब तक इंसान अंदर से खुश नहीं होगा, खुद खुश नहीं होगा, जब तक अपने आप को कहेगा नहीं तो खुश कैसे होगा। अगर डिप्रेस भी होगा तो खुद ही खुश हो जाएगा। देखिए, अल्फाज और अल्फाज से एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है। हम बोलते हैं ना, कैसे हैं आप? ठीक है। अरे क्या ठीक है, बोले मैं बहुत खुश हूँ जी। जी, आपकी पहली का जवाब भी देती हूँ। बताइए, पहली थी कि आखिरी के 2 लफ्ज़ में से निकाल दे तो फल बन जाए, सब्जी बन जाती है, तो वो है आलूचा। आलूचा, वेरी गुड। ठीक है, आलू बन जाता है, चे और हे हटा के। एक पहली बिल्कुल पूछेंगी आप, मखमल के डिबिया में उई उई के बीज। हाँ, फिर से बोलिए। मखमल की डिबिया में उई उई के बीज। मखमल की डिबिया में उई उई के बीज जी। अच्छा भाई, मेरी टीम इनसे जवाब लिख ले और अपने पास ही रखे, हम सब गेस करेंगे फिर। ठीक है, सही है जी, थैंक यू सो मच। मलमल की डिबिया उई उई के बीज। पहली बड़ी क्यूट है, लारे भी तो हंसी, चलो रिलैक्स हुई। अब हम इसमें शुगर सिरप बनाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए हमने इसमें लेना है 500 ग्राम वाटर। कितना? 500 ग्राम। अच्छा सही। अच्छा, ये इसका भी मतलब मैं आपको हिसाब इस तरह से बता देती हूँ, अगर आप इस रेसिपी से भी शॉर्ट करना चाहें तो आप इसको हाफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप शुगर सिरप बनाएंगे, अगर आपने 500 ग्राम जो है वो शुगर लिया है तो आपको 250 ग्राम जो है वो वाटर लेना है। 500 ग्राम शुगर है तो 250 ग्राम आपने वाटर लेना है इसमें। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर 500 ग्राम वाटर लिया है मैंने और मेरी 1 kg जो है वो शुगर है। वो उतने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा जितना साइज हम बासबूसा का। अच्छा, क्योंकि मैंने उसको भी उसके रेसिपी डबल करके डबल वो के हाथ किया है। लारेब का पहला है एक्सपीरियंस कैमरे का जी, ये कैसा तो लग रहा है? अच्छा लग रहा है फिलहाल तो। भी टेंशन में रुको ही नहीं होगी लारेबा, है ना? नहीं, मुझे टेंशन ये थी कि बस जो भी हो वो ठीक हो जाए, क्योंकि हो जाएगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बेक ठीक नहीं होगा, हम छुपा लेंगे। हम बता देंगे कि देखो जी, ऐसा एक फॉल्ट हो गया था तो यूं हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा, जो भी चीज़ें होंगी वो सामने दिखा देती हूँ जी। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण आप? आपको पता मैं बहुत खूबसूरत, लकीएस्ट पर्सन। हंस रही हैं आप? मैं भी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। I'm the luckiest person in the world. Very good. और हो भी जाएंगी कहते कहते ही, एनर्जी ऐसी आ जाएगी ना। कल मैंने वो फोन किया था किरण आपको, याद तो मैंने दो पहेलियां पूछी थी। कौन सी वाली थी?
एक ये सिगरेट वाली थी और एक कोयला वाली थी। हाँ, सिगरेट वाली ना सही नहीं थी उसका। वो क्या चीज है जिसे पी नहीं सकते लेकिन फिर भी पीते हैं? अब पी तो सकते हैं ना सिगरेट को, तो अपनी मर्जी होती है, बट गुस्सा उसका सही जवाब है। गुस्सा पी नहीं सकते लेकिन फिर भी पीते हैं। अच्छा अच्छा। और मुझे एक और क्वेश्चन आज पूछनी थी पहेली। जी बताइए। मेरा एक पाँव है और तीन आंखें हैं, मेरी ना मानोगे तो पछताओगे। एक पाँव है, तीन आंखें हैं, मेरी ना मानोगे तो पछताओगे। पछताओगे। हाँ, आज वैसे आप लोग कोई घड़ी विन करना चाहूंगी, कल भी मैं विन नहीं कर पाई थी। सुने इसका आंसर, वक्त तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, वक्त नहीं है। घड़ी नहीं, नहीं, नहीं। मेरी एक पाँव है, तीन आंखें हैं, मेरी नहीं सुनोगे तो पछताओगे। ठीक है, पछताओगे। ठीक है। अच्छा, क्या खाना पक रहा है आज? मेरी असल में टीवी की लाइट नहीं है, मुझे, मैं देख नहीं पा रही हूँ शो। आपको मीठे का शौक है ये बताइए। मीठे का बहुत ज्यादा। बस आज मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा भाई। लारेब आज सिर्फ और सिर्फ मीठा बना रही है, जो हमारी आज की गेस्ट है। जबरदस्त, देखो आज देखने का ही नहीं है। चलो मैं डायरेक्ट वो खोलती हूँ। हाँ, इंटरनेट उसमें सर्च करते हैं। बिल्कुल, नहीं तो रात में 9 बजे रिपीट होगा। बासबूसा बन रहा है अभी। अच्छा, उसके लिए मैंने ये शुगर सिरप जो है। क्या है गिफ्ट में? आज है हमारे पास जंबो सैंडविच मेकर एनएक्स। सैंडविच मेकर, जबरदस्त। आज तो फिर मुझे मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को मुझे बना के देने। ठीक है ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, आपने जो शुगर और 500 ग्राम वाटर, 100,000 ग्राम ठीक है, और इसमें नींबू डाला, एक लेमन डाला है मैंने उसकी कंसिस्टेंसी को ठीक सही, और बस। और ये कितनी देर कुक होगा? ये जब तक मेरा बसबूसा कुक होगा तब तक ये बन जाएगा। और वो कितनी देर कुक होगा? वो 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट तक ये पकेगा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। हम ब्रेक से वापस आके तो फिर आप ब्राउनीज या कौन सा वाला मीठा? पैने कोता बनाऊंगी, उसके बाद उसे पैना कोता, क्योंकि उससे ये फ्रेंच है ना जी। हाँ ठीक है, इसे फ्रिज में रखेंगे हम। हाँ, और फिर बाद में सब डन है जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मीठे 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 बन रहे हैं आज हमारे शो पे, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। अच्छा लारे, मुझे साथ साथ ना ब्रेक में टिप्स देती रह रही थी। मैंने कहा आप लोगों से जरा आप शेयर करो, क्या जब आपने ये चढ़ाया, जब शुगर सिरप हमने जब इसमें शुगर और वाटर को जब डाल देना है, तो हमने इसमें ना स्पैचुला से इसको हिलाते रहना है ताकि वो नीचे शुगर लग ना जाए। अगर वो लग जाएगी उसका कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो शुगर सिरप जो वो ब्राउन हो जाएगा। सही, नींबू डालकर हमें चढ़ा दिया इसका शुगर। अच्छा, बासबूसा तैयार हो रहा है हमारे पास। अब वक्त है तो हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। पैना कोटा, पैना क्या बोलते हैं इसको? पैना कोटा। पैना कोटा ये फ्रेंच डिजर्ट है, ये मैं खुद जला देती हूँ आपको। अच्छा, अब क्या चाहिए इसके लिए? मुझे इसके लिए चाहिए होगी क्रीम, हैवी क्रीम मैंने ली है इसके लिए। हाँ, हैवी क्रीम मींस वो टेट्रा पैक वाली क्रीम? नहीं नहीं, टेट्रा पैक वाली क्रीम नहीं ली है मैंने इसमें। जो होती है एक हैवी क्रीम आती है, जो व्हिप क्रीम जिसे हम अच्छा, कहते हैं, जो मीठी होती है, अनसॉल्ट जो होती है, स्वीट नहीं होता जिसमें। ओके ओके, ये विदाउट स्वीटेंड क्रीम, अनस्वीटेंड क्रीम है, लेकिन हैवी क्रीम ली है। जी, हैवी क्रीम ली है। ठीक है, और टेट्रापैक की अगर हम यूज़ करें तो वो बात नहीं आएगी? टेट्रापैक में ये है कि ये फुल लिक्विड में है ना। हाँ, तो वो टेट्रापैक वाली जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती। अच्छा, और जैसे हमें फ्रेश क्रीम मिलती है, जैसे वो मक्खन मक्खन जहाँ पर फ्रेश मक्खन और ये चीज़ें मिलती हैं बाजार में, वो भी नहीं, वो भी नहीं। ठीक है, ये हैवी क्रीम ही आपने इस्तेमाल करनी है जी। और कितनी ली है ये? ये मैंने ली है 250 ग्राम। ठीक है, और इसको डायरेक्ट आप कुक कर रही हो? डायरेक्ट कुक कर रही हूँ इसमें। ठीक है। अच्छा, इसका भी ख़ास टेम्परेचर और टाइमिंग है कि ये आप मुझे बता रही ला रेप कि ओवर कुक करेंगे तो नहीं जमेगा ये, है ना जी? कुछ है ऐसा। एक बॉयल आउट लाने दोगी इसमें या क्या? जी, उसके बाद मैं इसमें चॉकलेट ऐड करूँगी। अच्छा, वाइट चॉकलेट जी, अभी ये नहीं हुआ। ठीक है, ओके। बहुत मज़े का होता है। 50 ग्राम, 50 ग्राम है वाइट जी, चॉकलेट, वाइट चॉकलेट है। ठीक है, बिल्कुल होगा मज़ेदार। मीठा और मज़ेदार ना हो जी, ऐसा हो सकता है। अभी देखें इसमें थोड़ा सा बबल्स आ रहे हैं, ये बॉयल होने वाला है। सही है,
आँच तेज़ी है, कोई ऐसा नहीं कि हल्की आँच नहीं, उसको कोई इतना वो नहीं है, बस इतना हो कि आपका साइडों से बर्न ना हो. अच्छा, तो फिर उसकी वजह से आप लोगों को फिर वो कलर चेंज हो जाएगा, फिर वही टेक्सचर अच्छा नहीं. और साथ साथ हिलाते रहें, हिलाते रहना है ऐसे. लाइव कौन कौन देख रहा है घर पे शो? मामा पापा दोनों देख रहे होंगे. ऐसा गौर करके मामा देख रहे घर जाऊंगी मुझे कहेंगे ये गलत किया था, ऐसे नहीं करती. अच्छा ये क्या डाला आपने? ये मैंने इसमें शुगर डाली है. शुगर जी 50 ग्राम. 50 ग्राम शुगर है. 50 ग्राम नॉर्मल शुगर थी जी? नॉर्मल शुगर है. अब साथ ही जब ये बॉईल हो जाएगा तो हमने इसमें साथ में व्हाइट चॉकलेट डाल देनी है. ठीक है, ये भी 50 ग्राम हमने मिक्स करना है. सही, जो वनीला एसेंस है वो हमने लास्ट में डालना है जब हम फ्लेम इसका वो कर देंगे, हम कर देंगे. आपको क्या पसंद है मीठे में सबसे ज़्यादा? मुझे मीठा वैसे इतना पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे महलबिया ज़्यादा पसंद है. जो आप बनाओगी? जी मुझे वो बहुत पसंद है. वो भी अरबिक मीठा है, कस्टर्ड टाइप का. जी ठीक है. और घर में सबको क्या पसंद है जो आप बनाती हो? महलबिया. हाँ सबको वही पसंद है, अब तो फिर सीखना मस्ट है उसको. जी बिल्कुल. अच्छा ये आप बना रही हो मैंगो चॉकलेट ऐड होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको, आप किसी भी फ्रूट का बना सकते हैं. फ्रेश फ्रूट की प्यूरी बनाई और उससे वो कर दिया. प्यूरी में मैंने इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर और थोड़ा सा लेमन इसमें जाता है. किसमें? तो प्यूरी के अंदर. अच्छा ठीक है, ये मैंगो प्यूरी बनाई है ताकि इसका कलर चेंज ना हो. ठीक है, ये पेस्ट बनाया है मैंगो का और थोड़ा सा लेमन एंड शुगर. जी लेमन एंड शुगर. ठीक है, और आप कोई भी फ्रूट की प्यूरी बना सकते हैं. जी एक्चुअली आप लेयर्स कह रही थी ना कि जी जी मैं लेयर्स दूंगी इसमें. और वैसे क्या क्या, क्या फ्रूट के साथ ही लेयर बनती है या नहीं? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें आप कैसा खाना चाह रहे हैं. आपने क्या क्या ऑप्शंस ट्राई किए हैं? ब्लूबेरी के साथ भी सब होता है, ऑरेंज के साथ भी, डिफरेंट फ्रूट्स के साथ, आपका जो टेस्ट आपका दिल चाहे. अच्छा अभी इसमें कल जो मैंने बनाया था वो मैंने पेयर का बनाया था कल, और गेस्ट को बहुत पसंद आया था, बट मैंने उसे रिफ्यूज किया क्योंकि मेरे पास खत्म हो चुका था वहाँ पे. ठीक है, शुगर की कॉले में कॉल ले लूँ ना? जी जी बिल्कुल ले लें. कुछ डालना है इसमें? नहीं कुछ भी नहीं डालना, अभी सिर्फ विस्क करना है. अस्सलाम वालेकुम इकरा. अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसे हैं आप? आपको पता ही है मैं बहुत अच्छी हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह जी, तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया. माशाल्लाह आप कैसी हैं? आप कैसी हैं बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम है मुझ पे भी. अच्छा बिल्कुल बिल्कुल. और आज आपसे बात हो रही है, ये मेरी गुड लक है. और आपका प्रोग्राम तो देखते थे लेकिन कभी कॉल नहीं मिलती थी, कोशिश भी करते थे कॉल नहीं मिलती थी, लेकिन आज कॉल मिलाई है तो गुड लक मेरी की आपसे बात हो रही है. वेरी गुड. अच्छा मुझे बताएं, दो पहेलियां हमारी कॉलर ने पूछी थी. मलमल की आपने पूछी थी उसका तो आलूचा क्लियर हो गया. आलूचा देने की लेकिन वो कॉल नहीं मिली ना पहले. ठीक है ठीक है. मखमल की डिबिया में उई के बीच. हाँ. उसके दो आंसर, एक फूल होता है गुलाब का फूल. अच्छा, और अगर दूसरी साइड पे जाए तो सबज मिर्च, सुर्ख मिर्च. मिर्च सुर्ख मिर्च. हाँ वैसे उन्होंने जवाब यही लिखवाया है, सुर्ख मिर्च. और एक और पहेली पूछी थी इकरा, इसको मखमल से वो फूल भी ले लेते हैं, गुलाब का फूल और अंदर उसके बीज होते हैं तो उसको करते हैं. और नंबर 3 पहेली जो है वो एक पांव और उससे तीन हाथ की घड़ी है. नहीं वो कह रही घड़ी नहीं है. मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा एक है पांव तीन है आंखें, उसकी ना सुनो तो वो सताए या परेशान करे या कुछ ऐसा था ना. हाँ चाहे उनका कोई और आंसर हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक पहेली, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक पहेली देती हूँ जिसका मुझे श्योरिटी है कि 100% किसी को उसका आंसर नहीं आएगा. ओए होए, अब तो देकर ही छोड़ेंगे आंसर उसका, बताइए. अगर किसी को आंसर ना आया तो गिफ्ट मेरा पक्का. लोग जवाब सही देने पे गिफ्ट लेते हैं, आप कोई जवाब नहीं देगा तो गिफ्ट लेंगे. वेरी गुड. मैं तो बता दूंगी ना आपसे, किसी भी आपको बता दूंगी या किसी के कंट्रोल रूम में किसी को बता दू, लेकिन ये कि किसी और तो अगर ना किसी ने आंसर दिया तो फिर मेरा पक्का. अच्छा पूछे तो ना पहेली तो पूछे. हाँ पहेली है, थर्सडे और ट्यूसडे के अलावा टी से शुरू होने वाले किसी दिन का नाम. थर्सडे और ट्यूसडे के अलावा टी से शुरू होने वाले किसी दिन का नाम. किसी भी दिन का नाम. ठीक है हम गैस करते हैं, आप फोन रखें. ठीक है सही है, थैंक यू भाई. इमरान नोट कर लें आंसर, मुझे भी नहीं बताएगा, दिमाग पर जोर देना चाह रही हूँ. थर्सडे और ट्यूसडे के अलावा टी से शुरू होने वाला कोई दिन. संडे? नहीं संडे तो नहीं. टी से शुरू होने वाला, संडे थोड़ी.
सैटरडे कैसे होगा, एस से शुरू है। अच्छा जी, अभी हमने क्या किया, जेलेटिन डाली थी इसमें, जेलेटिन के बाद हमने इसमें डाला है थोड़ा सा वनीला एसेंस, के जेलेटिन की जो थोड़ी सी जो होती है टेस्ट होता है, जेलेटिन को थोड़ा घोला हुआ जी पानी में मैंने वहाँ से डिसॉल्व किया उसे थोड़ा सा। अब ये बस बिल्कुल ये हो गया जी। अब इसको आप पोर करोगे उसमें और थोड़ी देर हम इसको ठंडा करेंगे ताकि ये सेट होगा, फिर इसके ऊपर आप लेयर देंगे और फिर उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। सही है, ठीक है जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं और एक नए मीठे के साथ। मैं जरा लारेब से ना मीठों के नाम पूछ रही थी और कौन कौन से मीठे आते हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ हम आपको बताएं, अभी ये लारेब जो है ना, ये ब्रेक में सारे टिप्स इसके निकलते हैं, इसमें नींबू चाशनी जो हम बना रहे हैं इसमें नींबू लेमन डालने की वजह से वो जो हमारा शीरा है वो जमता नहीं है। अक्सर हम लोग घर में बनाते हैं तो मतलब कह रहे होते हैं कि स्टिकी हो जाता है, जम रहा होता है, तो ये उससे वो नहीं होगा। अच्छा, बासबूसा हल्का सा कलर आया है ऊपर, लेकिन अभी इसने देख कर बोला है कि नहीं अभी नहीं हुआ है ना, अभी नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, ठीक है। और उसको पूरे पूरे समझो 25 मिनट्स अभी और लगे हैं अभी, और कितनी देर लगेंगे वो हम देख कर हम बताएंगे। और इसको भी ऐसा प्रिक करके चेक करते हैं जैसे केक को करते हैं, तो इसकी क्या पहचान होगी कि जब ये ऊपर से बिल्कुल हार्ड हो जाएगा हाँ, तो ये फिर कुक हो गया, क्योंकि जब तो आप केक के स्पंज को टच करते हैं ना हाँ, तो वो आपको फील होता है, वो आपके हाथ पर लग जाता है। आप वो स्टिक डालकर चेक करते हैं तो स्टिक, लेकिन ये जब आप ऊपर से इसको हाथ लगाएंगे मैं आपको बता दूंगी, पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और पेना कोटा जो था वो हमने रख दिया है फ्रिज में, उसकी सिर्फ मिक्सिंग जो हमने सारी की थी सिर्फ वो है, अब लेयरिंग है, अब आप लेयरिंग किसी भी फ्रूट के साथ कर सकते हैं, वो तो जैसे ही फ्रीज हो जाएगा सेट हो जाएगा, क्योंकि जेलेटिन भी आपने डाली थी, फिर आप उसकी लेयरिंग करना। अब आ जाते हैं वॉलनट ब्राउनी जी, जो कि बासबूसा से ज़्यादा अच्छा लगता है लारेब को, कि मुझे वॉलनट ब्राउनीज ज़्यादा पसंद है जी। क्या चलो दोनों चीज़ें, और अभी तक मीठा कुछ तैयार नहीं हुआ ना, दिल चाह रहा है कुछ खाने को चखने को। अच्छा जी, अब क्या चाहिए आप बता दो। वॉलनट ब्राउनी हम बना रहे हैं, इसके लिए हम पहले लेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर जी, ठीक है, मैं इसकी रेसिपी भी निकाल देती हूँ ताकि क्वांटिटी आपको, ये एग्जैक्ट यही है ना जो रेसिपी जी, जी बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, बहुत ऑथेंटिक रेसिपीज है मेरी, सही है। अच्छा, आइसिंग शुगर आपने लिया है जी 225 ग्राम, जो बटर है मैं आपको पहले बता देती हूँ, बटर हो गया, बटर और शुगर और जो क्या कहते हैं कोको पाउडर, और हम उसको जो फ्लावर को ऐड करेंगे तो ये हमारा सब 225 ग्राम ही होगा। अच्छा, 225 जी। आइसिंग शुगर है या कैस्टर शुगर है? आइसिंग शुगर है। अच्छा ठीक है, आइसिंग शुगर 225 ग्राम। पांच अंडे मैंने लिए हैं, 225 ग्राम मैंने इसमें आइसिंग शुगर ली है, अब मैं इसको मिक्स करूँगी उसके साथ। इसमें भी बीटर नहीं इस्तेमाल करोगी? नहीं। वेरी गुड, आई लाइक इट, झंझट ही नहीं है नहीं इससे, जब मतलब मैं इतनी ज्यादा क्वांटिटी में बना नहीं रही हूँ कि मुझे उसकी बीटर की जरूरत हो, तो ये हाथ से अच्छा हो जाएगा। अंडा और पिसी चीनी सबसे जी, सबसे पहले इसमें ये कही है, ये बहुत इजी है, मतलब इंग्रेडिएंट्स हो आपके पास तो आप इजीली बना सकते हैं। इसमें सब मिक्स करना है, बस आपको मेथड एक बार देख लेना है, और ग्रामेज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बेकिंग में अगर ग्रामेज आपकी इक्वल नहीं होगी तो आपकी फिर चीज़ भी वैसी नहीं बनेगी, जो आप बनाएंगे वो वैसा कुक नहीं होगा। सही है। थर्सडे और ट्यूसडे के अलावा कौन सा दिन है जो टी से शुरू होता है? ये हमारी लास्ट पहेली हमारी कॉलर ने पूछी है। शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? मैं आपको पता बहुत अच्छी, बहुत खुश, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा को आपके शो पे भेजूँ। पापा कुकिंग करते हैं? बहुत अच्छी। भेजिए ना प्लीज, नंबर लिखवाइए आप अपना, हमारे टीम को कांटेक्ट करते हैं। तो मैं अभी बता दूँ? हाँ अभी बता देना, जब हम मेरे से बात करने के बाद। अच्छा ठीक है, पापा से अच्छी रेसिपीज लिख लो, कौन सी बताएंगे वो, कौन सी बनाएंगे, आ जाएंगे वो, खुद आना चाह रहे जी, वो खुद आना चाहते हैं। हाँ हाँ बस सही है, ही इज वेलकम, ही इज मोर देन वेलकम। ओके मैम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज,
वो तो मैं हूँ, बहुत अच्छी हूँ. सही है जी. ओके ओके थैंक यू. वही इनका नंबर नोट कर ले, ये फादर को बुलाते हैं इनके. अच्छा आपने अब इसमें मैंने ब्राउन शुगर ऐड की है. पहले मैंने इसमें 225 ग्राम आइसिंग शुगर ली थी, फिर उसके बाद मैंने इसमें 5 अंडे डाले हैं और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है. फिर मैंने उसके बाद इसमें ब्राउन शुगर ऐड की है 75 ग्राम. हमने इसे अच्छी तरह मिक्स किया. उसके बाद हम इसमें डालेंगे, मैंने इसमें बटर लिया था. मैंने आपको भी बताया कि 225 ग्राम बटर लेना है हमने इसमें, और इसमें जो हमने चॉकलेट लेनी है वो 150 ग्राम लेनी है. हम मैंने कुकिंग चॉकलेट, जी कुकिंग चॉकलेट आप मैंने बोली है, और मैंने इन दोनों को बैट करके ठीक है अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है. अब वही बटर मेल्ट किया था या वैसे? नहीं नहीं, मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट किया था. बटर एंड चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट को मिक्स करके जी अब वो चली जाएगी, क्योंकि असल जो चॉकलेट का ब्राउनी का फ्लेवर है वो इसी से ही आएगा. आपकी चॉकलेट जितनी अच्छी होगी आपका ब्राउनी का टेस्ट उतना अच्छा आएगा. ठीक है भाई, ला रहे एक कॉलर है, आप बात करें जरा. सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो ला रहे बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मामू? मामू की कॉल आई, मामू की कॉल तो फोन पे भी आई थी. सब कुछ ठीक बनेगा और आप परेशान नहीं हो, और इंशाल्लाह आप एक ब्राइट स्टार हो और इंशाल्लाह आप आगे फ्यूचर में कामयाब होगी. थैंक यू. और मुझे जो आपकी ये मैडम है इनकी पहेली का जवाब देना है. लास्ट जो कॉलर थी उन्होंने कहा था कि सैटरडे के बाद कौन सा ऐसा दिन होता है, तो वो होता है टुमारो. टुमारो वेरी गुड मामू. क्या करे मामू को कुछ दे. मामू हमेशा तुम्हारे बैक पे खड़े होते हैं. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच मामू. और ये अच्छा बनेगा सब कुछ. थैंक यू. और मैडम के लिए भी हमारी तरफ से बहुत अच्छी विशेज है. हाँ हाँ जबरदस्त. मामू खूब शौकीन है लगता है मीठे के आपके. नहीं उन्होंने मेरे हाथ का भी मीठा खाया नहीं है, लेकिन बाकी डिशेस तो खाई नहीं है, लेकिन ये मेरा फेवरेट है ना. तो मैडम फैमिली में ना ये जब करती है ना कुकिंग वगैरह, तो ये इंग्लिश में नाम बहुत ज्यादा लेती है, तो हमारी फैमिली में ये काफी मजाक बनता है. ये हम अब ये इंग्लिश के सारे नाम कैसे करके चीजें कहाँ पे कैसे करके. सही है, ये फ्रेंच और पता नहीं कौन कौन से मीठे ना. आप ठहरे देसी मीठे खाने वाले. जी सही है सही है. बट लेकिन इनके हाथ का मीठा जरूर भाई खिला दो प्लीज मामू को. वो यहाँ रहते नहीं है ना, तो अब वो जब आएंगे तो मैं उन्हें खिलाऊंगी. चारों ने कॉल भी किया, हमारे शो में भी कॉल किया. ये अभी ब्रेक में इन्हीं की कॉल आई थी है ना, शो देख रहे हैं. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मामू. मुरैल अल्लाह हाफिज. मुरैल आपका जो है ना इन्होंने कह रहे घबराए बिल्कुल नहीं. अच्छा जी आपने जो मुझे कॉल पे भी यही कह रहे थे कि घबराना नहीं है बिल्कुल. चॉकलेट और बटर को ऐड करने के बाद आपने ऐड किया? मैंने इसमें चॉकलेट और बटर के बाद मैंने इसमें ऐड किया है कोको पाउडर और फ्लावर जो मैंने उसकी ग्रामेज ली हुई थी वो मैंने इसमें. कोको पाउडर है 50 ग्राम और मैदा है 175 ग्राम. जी बिल्कुल ठीक है. और ये 50 एंड 175 मिलकर 225 हो जाएगा, यानी कि ये ड्राई इंग्रेडिएंट. मैं ऐड करूंगी क्रीम. ये तो कोई भी क्रीम है ना? टेट्रा पैक क्रीम है, मिल्क पैक क्रीम, आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं. 100 ग्राम है, 100 मिलीलीटर. ये 100 ग्राम है, इन्होंने वो क्या कहते हैं वो रेसिपी में थोड़ा सा काट है, वो 100 ग्राम क्रीम भी ऐड की है. तो इसमें तकरीबन चीज़ें चली गई हैं. सबसे पहले आपने ली पीसी भी चीनी यानी कि आइसिंग शुगर जी 225 ग्राम. उसके अंदर आपने डाले 5 अंडे मिक्स किया और फिर उसमें डाला ये चॉकलेट. बटर और चॉकलेट का मिक्सचर. ठीक है, बटर और चॉकलेट का मिक्सचर जो है पिघली डार्क चॉकलेट 150 एंड बटर है 225. जी ठीक है जी. ये डालने के बाद आपने इसमें डाला ड्राई इंग्रेडिएंट जिसमें मैदा और कोको पाउडर था. जी मैदा ज़्यादा था, कोको पाउडर कम था. 50 ग्राम कोको पाउडर, क्योंकि कोको पाउडर का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, तो उसमें ज़्यादा ऐड करेंगे तो. ठीक है, और अभी बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ डाला? नहीं मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला. मैंने इसे क्रीम डाल के इसका एक लिक्विड फॉर्म में इसे लेकर आई हूँ. पहले क्रम थे इसमें. ठीक है अब क्रीम. अब हम इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है हमारी इसमें डालने वाली आखिर में, वो है वॉलनट. ये क्या डाला? ये मैंने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया है. अच्छा हाँ बेकिंग पाउडर अब किया है. अब ये देखिए आपको शुगर सिरप का अरोमा आप चेक करें. ठीक है जी, ब्रेक भी आ गई है. बेकिंग पाउडर ऐड डालने के बाद अब आप डालोगी इसमें वॉलनट्स? वॉलनट डालूंगी मैं, और फिर उसके बाद हम इसे बेक करेंगे 180 के टेम्परेचर पे 20 मिनट्स बस, और इसका कोई मेथड और नहीं. हर के वॉलनट्स डालेंगे तो मज़ा आएगा.
जी एंड दैट्स इट, ये ब्राउनी का मिक्सचर तैयार हो गया। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा बासबूसा अभी भी हो रहा है, मैंने चेक किया, मुझे लारे में चेक करवाया, ये ज़रा दिखाना। हाँ ऐसे खोल के ये देखें, अभी ये बिल्कुल अंदर सॉफ्ट है ना, तो मतलब ये कुक नहीं हुआ, यहाँ से ये हार्ड हो गया, लेकिन ये यहाँ से अभी सॉफ्ट है, तो ये कुक नहीं हुआ अभी, इससे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 5 मिनट और। ठीक है, बीच से थोड़ा सा और होना है, अभी और लगेगा। ब्राउनीज का मिक्सचर हमने पैन को ग्रीस किया और रख दिया है दूसरे ओवन में, वो टाइम देख कर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स के लिए, ठीक है, वॉलनट ब्राउनीज के लिए। अब वो शीरे में आपने कुछ मिलाना था वो? जी इसमें मैंने अब रोज़ वाटर ऐड करना है। सही है, कितना रोज़ वाटर? मैंने 1/2 कप लिया था। अच्छा सही है। चीनी और पानी, 250 ग्राम्स हमने पानी लिया था और 1 किलो चीनी ली थी जी, इस तरह की क्वांटिटी। और एक नींबू डाल के पकाते रहे उसको जब तक बासबूसा तैयार हो रहा है। एंड में थोड़ा जब वो थिक हो जाएगा आपने रोज़ वाटर डाल दिया। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट मीठे पर। लास्ट मीठा बहुत मज़े का है। 250 लीटर आपने लिया है दूध जी, सही, और इसमें मैंने ऐड की है 50 ग्राम चीनी। अच्छा रेसिपी कार्ड में थोड़ी सी चेंजेस है, रेसिपी कार्ड में दूध आपको सिर्फ 50 ग्राम मिलेगा लिखा हुआ है, लेकिन वो 250 ग्राम है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 250 लीटर दूध आपने इस्तेमाल करना है, लीटर नहीं ग्राम, दूध मिलीलीटर, मिलीलीटर 250 होगा नहीं ना, हाँ मिलीलीटर दूध आपने इस्तेमाल करना है 250, और इसमें डाली आपने चीनी 50 ग्राम जी 50, ठीक है, और ये मिक्स होगा जी, करते रहोगे बस, और ये भी डन होने वाला है। ये क्या है? ये फ्रेश क्रीम जी, और क्रीम है 100 ग्राम, इसको हमने कुक करना है, ठीक है, दूध क्रीम और चीनी बस। बस जी खुशबू आई है ना उसकी रोज़ वाटर डालने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, नहीं आपकी तरह बिल्कुल लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। यस, मुझे ठीक ठाक वाले कॉलर्स नहीं चाहिए, हैप्पीएस्ट और लकीस्ट चाहिए। शो देख रही थी, मेरे बच्चे भी आपका शो देख रहे हैं, और आज मैंने जो फोन मिलाई है अपने बच्चों के कहने पे कि मैं तो देख के एंजॉय करती हूँ आपका प्रोग्राम, लेकिन उन्होंने आज पोस्ट किया है कि आप भी मामा इनकी पहेलियों में हिस्सा लो। अरे वाह वेरी गुड, हाँ कुछ जवाब आपने सोचा? जी मेरी बेटी ने एक पहेली पूछी है, तो जवाब तो दे दिया, ठीक है पूछे पूछे। तो पहेली मैं पूछ रही हूँ कि वो कौन सी चीज है जो नाश्ते से पहले किसी सूरत में भी नहीं खाई जा सकती? हाँ ये मुझे आता है इसका जवाब, हाय अल्लाह गिफ्ट तो आपको चला गया, इसका जवाब है डिनर या लंच। जवाब आता है तो गया। अब बच्चों से के कच्ची हो मेरी बेटी भी आपको देख के। अच्छा अच्छा हाँ, वो कौन सी चीज है जो ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खाई जाती? बहुत अच्छा है, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और मीठे एंजॉय करें, मैं बस इंतजार में हूँ कोई एक आध मीठा तैयार हो तो मैं खाऊं। ये सब मीठे मैं आज किरण को एक साथ खिलाऊंगी, कोई पहले नहीं खिलाऊंगी। अब मैं बड़ा सोच के रहती पूरे शो पे मैं मीठा खाती रहूंगी, चखती रहूंगी। अच्छा अभी ये क्या कर रही है? कॉर्नफ्लावर, ये मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर है, इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया ताकि इसको डिजोल्व करूँ, और इसके बाद अभी जब कुक हो गया, जब इसमें बॉयल आएगा तभी ये ऐड करना है, वरना फिर आप इसको कुक करते रहेंगे और ये फिर होता ही रहेगा। ये इसका नाम क्या है? महलबिया, ये अरबिक डेजर्ट है जो इसमें है क्या, बस क्रीम है, चीनी है और दूध है, है तो बहुत इजी, कोई फ्रूट मजे कुछ नहीं है, नहीं इसमें कुछ भी नहीं। आप इसको हनी के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो अरब कंट्रीज होती है वहाँ पर लोग तो बहुत मीठा खाते हैं, तो इस वजह से वो लोग हनी के साथ इसको। ये जैसे हमारा वो नहीं बनता दूध दुलारी का मिक्सचर, या वो और कौन सा ऐसा एक दूसरा होता है ना, देखें कॉर्नफ्लावर डालकर दूध में वो करते हैं, हमने कुक करना है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मैडम, मैं दीन बात कर रहा हूँ जड़ावाला से, फैसलाबाद जड़ावाला से। आप जानती हैं इनको? अस्सलाम वालेकुम मामू। के कितने मामू हैं? मेरे सब मामू कॉल कर रहे हैं। लारेस का मामू। अच्छा ओए मैं बात कर लो जी मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू, कैसे आप? वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
बहुत ही आपके लिए बेस्ट विशेज, अल्लाह पाक आपको इसी तरह का इजाजत करता रहे। थैंक यू, मेरी तरफ से भी लारे आंटी बात कर रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी आप? ठीक ठाक, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें इसमें काम पर देख के। ये बस खुशी होते हैं, उनको भी नहीं खिलाया होगा मीठा। नहीं, ये सारे दूर दूर रहते हैं और हम लोग दूर रहते हैं ना, इसलिए ज्यादा खुश हो रहे हैं देख देख के। नहीं, बना तो बहुत अच्छा रही है और बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर की है आज लारेब ने। हम तो नाम भी इससे सुन रहे हैं, मैं कह रही हूँ बड़ी माशाल्लाह से हो गई है। हाँ, माशाल्लाह से शेफ बन गई है पूरी। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। हाँ जी, बिल्कुल, आमीन। ओके जी, एंजॉय करें आप शो। देखो पूरा खानदान दिख रहा है। मैं एक्चुअली मैं एक जो ननियाल है वहाँ पर सबसे पहली मैं आई हूँ तो। अच्छा अच्छा, तो ये भाई घर की हम पहली बच्ची जो होते हैं ना। मामा पहली थी और फिर उसके बाद। तो ये तैयार हो गया जी? ये मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है। कब? तो अभी जब आप कॉल पर थी। अच्छा, रोज़ वाटर। रोज़ वाटर मैंने ऐड किया है इसके अरोमा के लिए। भैया आप देखें। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये तो टेस्ट कर सकती हूँ। कर सकते हैं आप बिल्कुल। वाकई बहुत मज़ेदार है, बहुत सादा सा है। दूध है, क्रीम है, चीनी है और रोज़ वाटर। इससे निकालना है अब किरण, ये हो गया है। इट्स कुक सुना जो। अच्छा, निकाल लेते हैं। जीरा निकालना। जीरा, वो जो हमारा दूध दुलारी में होता है ना, जिसमें अब आप इसमें फ्रूट डालना चाहें डाल दें। अब आप कोई भी चीज़ इसमें, जेली शेली सेवैयाँ, रंग बिरंगी है, मज़ेदार सा मिक्सचर। और पतला रखना चाहें पतला रख सकते हैं। अब बासबूसा ज़रा देखते हैं। अब जो बासबूसा का प्रोसेस है उससे तो हमें फ़ौरन से करना है। मैंने पहले बताया था कि इसको निकालते ही हमने इसमें फ़ौरन से उड़ालना है। अच्छा, ये पूरा आप देखें सख्त हो गया। पहले नरम था ये वाली साइड जो है ना, और ये पकी हुई थी। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। आई एम ग्लैड कि मैंने वो नेट वाली नहीं ट्राई किया, मैं यही वाली करूँगी जी। ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ प्रिक नहीं करना, बस वैसे नहीं, बस इसको इसमें ऐसे ही गरम देना है। हमने गरम गरम डालना है क्योंकि इसमें सूजी है, ये खुद एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, शीरा भी गरम हो और वो भी ओवन से निकला हुआ गरम जी। बिल्कुल, ये देखें। और ये लेने जाओ ना तो उतना महंगा मिलता है अभी तो। देख ईजी कितना है, आप वो देखें। अब ये देखें, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। वो मेन रेसिपी है वो आपके पास है, मिक्स किया। जब तक मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये क्या करोगे अभी? बस महलबिया हमारा कुक हो गया। अच्छा, मुझे बताओ ये सारा शीरा जाएगा? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊँ कि आपको कब तक। अभी ये एब्जॉर्ब कर रहा है, जब ये पूरा कर लेगा फिर उसके बाद। अभी ये कर रहा है एब्जॉर्ब, अभी इसमें वो हो रहा है। ठीक है, और ये कब तक हमें पता चलेगा कि ये कर रहा है? कर रहा है, ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब हम ब्रेक जैसे जाना चाह रहे हैं। ये देखें, इतना तो करेगा ही करेगा। अब ये जैसे, ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो ना, फिर हम इतना शीरा ही ना बनाएं। नहीं, इसमें एक्चुअली ऐड होगा अभी, जब नीचे से एब्जॉर्ब करेगा ना। ठीक है, सूजी फिर वो हो जाएगी। चले हम इसको एब्जॉर्ब करने देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिश आउट करती हूँ, उसको डिश आउट कर दें। और वो जो लेयर हमने पैना कोटा पे लगानी थी वो भी हम दे देते हैं मैंगो के साथ। और ब्राउनीज 20 मिनट चेक करते हुए नहीं हुए। ब्रेक पैना कोटा जो महलबिया बनाया है ना, ये वाकई बहुत मज़े का, इतना सादा। ये तो मैं जाते साथ ही ना घर में अभी बना लूँगी। कुछ भी नहीं है और आपका वाकई दिल चाहेगा कि बस खाते रहो ना। और वो रोज़ की हल्की और सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है, और दूध है, चीनी भी बिल्कुल थोड़ी सी है, आराम से आप खा सकते हैं। अच्छा जी, वो देख लीजिए बासबूसा। बासबूसा में कितना शीरा अभी थोड़ा बचा मुझे दिखाओ, ताकि हमें अंदाज़ा हो हमने कितना इसमें डाला है। जितना वो जिसमें जो ऑल मिक्सचर था वो आप समझे, जैसे 500 ग्राम मेरा वो वाटर था और 1000 ग्राम मेरी शुगर थी, तो 1500 समझे, समथिंग इस तरह। डेढ़ किलो एक चम्मच बचा हुआ है शीरा, ये आप देख लें। बस एक चम्मच, दो चम्मच शीरे बचे, क्योंकि इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है वो कभी। अभी हम इसको कट करके भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये थी कि जो
आपने पिना क्या था वो पैनाकोटा बनाया था, उसको हमने नीचे की लेयर तो जम गई थी, फिर आपने वो जी मैंने उसके ऊपर एक मैंने उसको लेयर में दिया है, पहले मैंने नीचे पैनाकोटा की एक लेयर दी थी, उसके ऊपर मैंगो प्यूरी और फिर दोबारा उसके ऊपर बनाया और अभी दोबारा से उसको रखा हुआ है फ्रिज में सेट होने के लिए। दूसरी तरफ ब्राउनीज बन रही हैं, अभी टाइम है ब्राउनीज में, इसको कट करके दिखाती है ज़रा जी। वो उन्होंने कहा ना शर्जील कर देंगे नहीं, मतलब ऐसे कट होके अगर निकालना चाहे वो ब्राउनी का वो देख लें टेम्परेचर या टाइम जो भी है। अभी नहीं हुआ टाइम, 12 बजे हमने उसको रखा था तो 12:20 पर हम उसको अगली ब्रेक में निकालेंगे। हाँ मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही हूँ कि अंदर से ज़रा चेक कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अम्मा, कैसी हैं? चलो अम्मा की भी कॉल आ गई। आप कैसा जा रहा है प्रोग्राम? अच्छा जा रहा है मामा, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सबकी आवाजें ऐसी याद है। मैं आपको पता मुझे प्लेट दे दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ और आज तो एंजॉय कर रही हूँ ना, ये मीठे बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ये जब मैं उसको निकालूंगी जब सीक्वेंस से तो आप चेक करके बताएं किरण कैसा बना। ये कौन अम्मी है? ये मेरी मामा है। अम्मी को क्या पसंद है मीठे में? मैंने मलबिया ही खाया है, वो शौक से खाती हूँ। दूसरी बात ये है कि शुगर पेशेंट हूँ तो मीठा कम ही खाती हूँ। अच्छा ये प्रॉब्लम होती है ना जी। बहुत मजे का बासबूसा बनाया है। अगर हम इसको दूसरी किसी बेकिंग पैन में बनाएंगे वो ज्यादा इजी है हमारे लिए कि उसको बाहर निकालना। गरम गरम ये भी गरम गरम है तो ये बहुत सॉफ्ट है, इसलिए ये टूट रहा है। सिर्फ चिलर में रखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मली। कॉलर चली गई? चली गई आंटी, वो शो देख रही है। बाकी बहुत मजेदार है और ये इसी तरह से गीला गीला सा जी। ये जब फ्रिज में आप इसे रखेंगे ना तो ये बिल्कुल सेट होगा। अभी ये टूट रहा है। सही है, गर्म है ना इसलिए हमने कटवा लिया ऐसे, वरना ये बिल्कुल सेट होता। और सूजी जो है अच्छे से पकी हुई है, एग्जैक्ट जो कहते हैं ना अमाउंट इन्ग्रीडियंट जी, बहुत मजे है। तुम बेकिंग में खुद बनाए, अब तो मीठे का शौक हो गया ना, बनाने लग गए। अच्छा है ना, वैसे ही बनाना जैसे बनता है। वैसे ही बनता है, बहुत मज़ा। अगर आप इसमें अगर आप लेमन का टेस्ट नहीं देना चाह रहे तो आप ऑरेंज जूस यूज़ कर सकते हैं इसमें। आप ऑरेंज जूस थोड़ा सा ऐड कर दें। आई थिंक पक्का है, लेकिन वो शीरा हमने ज़्यादा डाल दिया, अगर हम थोड़ा सा कम भी डाल दें? नहीं, इसमें शीरे की क्वांटिटी इतनी ही डालनी होती है, वरना ये फिर जो ये जो सूजी सॉफ्ट है ना ये सॉफ्ट नहीं होगी। फिर गरम गरम डालने का इसके अंदर, क्योंकि इसमें कोई वाटर ऐड नहीं होता। जब हम हलवा बनाते हैं तो उसमें फिर हम वाटर ऐड करते हैं और फिर वो सूजी जाकर फूलती है और फिर वो हलवा बनता है। अभी ये ठंडा होता है, मैं फिर से चखूंगी ज़रा। अच्छा अब क्या है, ये हो गया ब्राउनीज, अभी चेक कर लिए, ब्रेक में चेक कर लेते। ब्रेक आ रही है, ठीक है। आज की पहेलियाँ वही सारे हो गए ना, जवाब वबाब हो गए। थर्सडे ट्यूसडे के अलावा टुमारो टी से स्टार्ट होता है और तो कुछ नहीं था। कौन सी वाली, मैंने तो नहीं किसी का जवाब देना। आँख वाली, हाँ वो नहीं पता चला कि एक पाँव है तीन आँखें हैं, मेरी नहीं सुनोगे तो सताए जाओगे या कुछ ऐसा था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। बसबूसा अच्छा, मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, सूजी 500 ग्राम, दही 250 ग्राम, शीरा हस्बे ज़रूरत, मैदा 62 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम, बेकिंग पाउडर 4 ग्राम, शीरा बनाने के लिए अज्जा, लीमू स्लाइस एक अदद, रोज़ वाटर आधा कप, पानी 500 मिलीलीटर, चीनी 1 किलो, पन्ना कोटा अज्जा, क्रीम 250 ग्राम, जेलेटिन आधा चाय का चमचा, चीनी 50 ग्राम, वाइट चॉकलेट 50 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। वॉलनट ब्राउनी अच्छा, अंडे 5 अदद, पिसी चीनी 225 ग्राम, ब्राउन शुगर 75 ग्राम, पिघला मक्खन 225 ग्राम, पिघली डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, मैदा 175 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कटे अखरोट 125 ग्राम, क्रीम 100 मिलीलीटर। तरकीब, बोल में अंडे और पिसी चीनी डाल दें, फिर ब्राउन शुगर और क्रीम डालकर मिक्स कर लें, उसके बाद पिघला मक्खन और पिघली डार्क चॉकलेट शामिल करके मिक्स करें। अब अलग बोल में मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और अखरोट मिक्स करें, फिर इसे मक्खन के आमेजे में मिलाकर इतना फेंटें कि आमेजा स्मूथ हो जाए। उसके बाद मोल्ड या बेकिंग ट्रे में भरकर गर्म अवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। महलाबिया अज्जा, दूध 50 ग्राम, क्रीम 100 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, रोज़ वाटर 2 खाने के चमचे। तरकीब,
पहले दूध उबाल लें, फिर चीनी डालकर हल करें, उसके बाद क्रीम शामिल करके चंद मिनट पकाएं। अब पानी में हल कॉर्नफ्लावर शामिल करके चमचा चलाएं यहाँ तक कि अमेजा गाढ़ा हो जाए। फिर रोज़ वाटर मिला दें और चूल्हा बंद करके चमचा चलाएं। आखिर में गर्म या ठंडा करके ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें और सर्व करें। जी वेलकम बैक। और तीनों मीठे यहाँ पे तैयार हैं। बासबूसा वाकई बहुत मज़े का है। ले आए शर्जील, अब आप क्या कर सकते हैं। अवन में हमने ब्राउनी, वॉलनट ब्राउनीज, आई थिंक इट्स कुक्ड, है ना, कुक है या थोड़ा नहीं, सा थोड़ा सा टाइम और है इसमें। ठीक है, हमने निकाल दिया आपको दिखाने के लिए, हम दोबारा से इसको अवन में रखेंगे। बट ये रेसिपी बहुत कमाल की रेसिपी है। अपना लारे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? मामुओं से भी बात हो गई, आंटी से भी बात हो गई, अम्मी से भी बात हो गई। अब रात में शो देखोगी अपना? नहीं। क्यों? नहीं, शर्म आएगी देखते हुए? मुझे कहेंगे क्या किया था, ये किया था, ये किया। अच्छा है ना, देखना ना। देखूंगी ताकि इम्प्रूवमेंट आए, ताकि नेक्स्ट स्टेप पता चलेगा कि चलो ठीक है। जी जी जी, वैसे आपने सही किया अपना काम। बट आप नेचर थोड़ी सी है खामोश वाली, है ना, काम में लगे रहो बस। नहीं है, बातू नहीं है बहुत ज्यादा। हमें तो यही इम्प्रेशन पड़ा कि बस बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन सी और बस काम में है। फर्स्ट टाइम था ना इसलिए अभी खुली नहीं थी ठीक से। लेकिन मुझे ना ये वाकई बहुत मज़े का है। महलाबिया जो है पैने को तभी बहुत मज़े का है, जब आप टेस्ट करेंगी ना तो मैं वो टेस्ट ज़रूर करूँगी, क्योंकि इसमें वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल है, वैसे ही कितना अच्छा एक फ्लेवर आएगा। बासबूसा इज़ रियली नाइस। आज की रेसिपीज मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग अब घर में बनाएंगे तो पता चलेगा, बट ज़रूर ट्राई करें थोड़ा सा हट के। हम लोग बनाते ही रहते हैं ये सारे खीर शीर सेवैया, तो मैं आज जाके ये ट्राई करूँ, ये तो फ़ौरन से ही बन जाएगा और तो बहुत ईजी है। वेरी नाइस। अच्छा जी, जाते जाते आप कुछ कहना चाहती हैं? जितने लोग आपको देख रहे थे जाके, अभी होटल काम या आज? नहीं, आज फिर ऑफ है। आज ऑफ है? ऑफ है, अब घर जाऊंगी बस। सबको बताया हुआ था क्या शो पे जा? मैंने सबको नहीं बताया हुआ था। अच्छा, मतलब घर पे पता था, कजिन्स वगैरह को, यानी मामू को बताया था मैंने कि मैं जा रही हूँ। मामू से ये बहुत क्लोज है। बाय द वे, आज का जो हमारा जम्बो सैंडविच मेकर है एनएक्स का, वो हम आपको दे रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आप ये अम्मी को देती हैं या मामू को देती हैं, ये आपस में आप लोग ही जानें। ठीक है, आपके साथ ये चला जाएगा हमारा एनएक्स का गिफ्ट। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया नई नई मज़े मज़े की पहेलियाँ पूछने का। अभी तक हमें एक पहेली का जवाब नहीं मिला, हुआ तो हम इंशाल्लाह अगले सैटरडे आएंगे तो आपसे लेंगे। और वो पहेली थी कि वो एक पाँव है तीन आँखें हैं और नहीं सुनेंगे तो, हाँ नहीं सुनते हैं तो फिर पछताते हैं, इनकी कुछ ऐसा था। बाय द वे एंड दैट्स इट। तब तक आपने क्या करना है? अच्छा सोचना है, अच्छा सोचना है और अच्छे सोचते रहना है। बीज अच्छा सा बोना है, अच्छे से पौधे फल तो होंगे ही उसमें, बस उसको अच्छी सोच को पानी देते रहें अच्छी अच्छी थॉट्स के साथ। अच्छे से सुबह हो, अच्छे से रात हो और अच्छे से हमारे सारे काम और ज़िंदगी हो। दैट्स इट। हम इन दोनों को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।